नारा देते हैं। हमारे देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है बेटियों की तुलना। एक गाय को आप अभी लेके जाइए ऑटो में या ट्रक में भर के, देखिए सारे विश्व हिंदू परिषद वाले खड़े हो जाएंगे, अरे भैया हमारे देश की गाय हमारी माता है। बहने या लड़कियां उनके लिए कुछ नहीं है, मोदी जी सिर्फ, या मोदी जी, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग, उनको महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शक्ति, देवी शक्ति सिर्फ पूजा के रूप में आती है, वास्तविकता में नहीं आती। अभी जो महिलाएं सम्मान कर रही है वो खुद को हिंदू महिलाएं कह के कहेंगी कि भैया वो मुस्लिम महिला थी। तो हम महिलाओं को हिंदू मुस्लिम ना सोच के महिला की तरीके से सोचना चाहिए। 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, आप देवी पूजन शुरू कर देंगे, आप किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, उसके बच्चे को मार दीजिए, उसकी माँ को, उसकी बहन को, सबको मार दीजिए, और अंत में आप आगे मुझे कहेंगे मैडम हमारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, और मैं कहूँगी सर आप पंडित हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, ये गलत है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं बचा है। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था ना हमें बोलने का अधिकार देती है। आप एक सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दीजिए, एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आप कब जेल में चले जाएंगे आप ही को नहीं पता। तो हमारा बोलने का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया। और सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात करें, यहाँ तो सारी महिलाएँ आई हैं, ये हम सब क्यों आए हैं? हम लोग भी अपने काम सब छोड़ के आए हैं, क्योंकि ये आगे एक इतिहास बनने वाला है कि महिलाओं को सड़कों पर अपनी सुरक्षा के लिए खुद उतरना पड़ेगा, खुद बात करनी पड़ेगी। आप महिला सम्मान भी कर रही है, मिठाई खिला रही है, टीका लगा रही है, अभी जो महिलाएं सम्मान कर रही हैं वो खुद को हिंदू महिलाएं कह के कहेंगी कि भैया वो मुस्लिम महिला थी। तो हम महिलाओं को हिंदू मुस्लिम ना सोच के महिला की तरीके से सोचना चाहिए। 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, आप देवी पूजन शुरू कर देंगे, वो महिलाएं अपराधियों के समर्थन में क्यों है? आप, मेरे को तो ये लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार ये कहती है कि आप शादी मत करो, आप रेप करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जेल से रिहा कर देंगे। बीजेपी की सरकार का क्लियर है, कोई मंत्री शादी नहीं करना चाहता, हम शादी नहीं करेंगे, आप बलात्कार करो, हमारी सरकार हम आपको रिहा कर देंगे, बीजेपी की सरकार। और महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं उन पुरुषों को साथ दे रही हैं, क्योंकि आपने खुद देखा 15 अगस्त को तो उन्होंने मंच से कितने ज्यादा सम्मान की बात करी थी, तो क्यों उनको? अब गुजरात में इलेक्शंस है, सारा का सारा खेला चल रहा है वोट बैंक का, गुजरात के इलेक्शंस की वजह से दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है, वरना अब तक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी सब सड़कों पर लेट जाते कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा है मनीष सिसोदिया को लेकर कि आपने ईडी का क्यों उनके ऊपर छापा पड़वाया, क्यों धरना दिया इस मुद्दे पर, लेकिन ना दिल्ली सरकार कुछ बोल रही है, ना केंद्र सरकार और कोई भी महिला मंत्री। स्मृति ईरानी जी को जब हमने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट श्रीमती शब्द का कांग्रेस के नेता ने प्रयोग कर दिया था, स्मृति ईरानी जी ने, कानून के तहत छोड़ा गया, कोई कानून नहीं है। आप किसी भी कानून की किताब को उठा के देख लीजिए, थोड़ी बहुत मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, नहीं नहीं कोई कमेटी नहीं है, ये सब सरकार के हाथ का खेला ही लग रहा है कि गुजरात के इलेक्शन की वजह से किया गया। किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको बीच में रिहा कर दिया जाएगा, या आपके अच्छे व्यवहार की वजह से आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। आप संस्कारी ब्राह्मणों की बात करें, वही संस्कारी ब्राह्मण अभी नवरात्रों में उन लड़कियों के पैर छुएंगे, देवी पूजन करेंगे, तो उन संस्कारी ब्राह्मणों को आप खुद सोच सकते हैं कि वो संस्कारी ब्राह्मण कहाँ से, आप अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे? जेल में व्यवहार बहुत अच्छा था उनका, बहुत अच्छा व्यवहार था। आप लड़कों को यही सिखाइए कि आप जेल जाइए, व्यवहार अच्छा कीजिए और आप जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप पंडित हैं। आप पंडित होने के नाते ये नहीं बोल सकते कि आपका व्यवहार, आप तो सारे मथुरा और वृंदावन के पंडित फिर चल के रेप ही करें और फिर वो बोल देंगे हमारे तो संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, उसके बच्चे को मार दीजिए, उसकी माँ को, उसकी बहन को, सबको मार दीजिए, और अंत में आप आगे मुझे कहेंगे मैडम हमारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, और मैं कहूंगी सर आप पंडित हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, ये गलत है। स्मृति ईरानी महिलाओं के बड़े सम्मान की बात करती है, आप नजर नहीं आ रही? स्मृति ईरानी जी सिर्फ हिंदू महिलाओं की बात करती है और बीजेपी की महिलाओं के पक्ष में बात करती है। स्मृति ईरानी जी कभी भी आम महिलाओं के मुद्दे की बात नहीं करती, ना वो कभी सिलेंडर पे बोलेंगी, ना वो अब कभी महंगाई पे बोलेंगी, ना वो अब कभी महिला सुरक्षा, क्यों? क्योंकि वो खुद महिला विकास मंत्रालय को संभाल रही थी। वो तो आपने, हाँ वो तो मैं कहने वाली थी, वो मैं कहने वाली थी कि तीन तलाक को उन्होंने माफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप जाओ रेप करो, क्योंकि अब आपको आजादी दे दी जाएगी कि आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाते। तो आप देखिए ऐसे भाई अगर हमारे देश में होने लगे कि जो अपनी बहनों को बीच में ही छोड़ देंगे कि अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये रक्षाबंधन के नाम पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि लड़कियां राखी बांधना अपने भाइयों को बंद कर देंगी। और ऐसे पर भी बंद हो जाने चाहिए कि जब देश के लड़के, देश के भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को उठाने के लिए ना आए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो सच में ये चाहती हूँ कि उनको फांसी होनी चाहिए। मुझे बहुत दया है उस बिल्किस बानो के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके 3 साल के बच्चे के साथ। सोच के देखिए क्या घटना होगी जब एक माँ के सामने उसके बच्चे को दीवार में सिर लगा के मार दिया गया होगा और वो बच्चा ऑन द स्पॉट डेथ कर गया था, उसके पेट में 3 महीने का बच्चा मर गया था। आप ये देखिए, ये सिर्फ बलात्कार की बात नहीं है, ये मतलब
मतलब साजिश है, हत्या है, मतलब कितनी और महिलाओं का उस 2002 में रेप हुआ होगा। सिर्फ बिल्किस बानो के नाम को हमने सुना है, जाना है, पर और महिलाओं को हम नहीं जानते, हमने नहीं सुना है। आप सोच के देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, हम सड़क पे चलते हैं, कोई हमें छेड़ता है, हम उसको क्या कहेंगे कि आप पंडित हैं, आप छेड़िए। हमारे देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है बेटियों की तुलना। एक गाय को आप अभी लेके जाइए ऑटो में या ट्रक में भर के, देखिए सारे विश्व हिंदू परिषद वाले खड़े हो जाएंगे, अरे भैया हमारे देश की गाय हमारी माता है, बहनें या लड़कियां उनके लिए कुछ नहीं है, मोदी जी सिर्फ, या मोदी जी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग, उनको महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की शक्ति, देवी शक्ति सिर्फ पूजा के रूप में आती है, वास्तविकता में नहीं आती है। चुनाव की पूरी पूरी तैयारी आप खुद देखिए, मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार 20 साल से गुजरात में है, गुजरात की क्या हालत है, और गुजरात की 27 साल से, आप सोचिए कि वहाँ पे कितना बड़ा डिक्टेटरशिप अभी चल रहा है, कितनी बातें वास्तविकता में, हम दिल्ली की भी बात कर सकते हैं, केजरीवाल जी की सरकार है, कितना शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, कितना स्वास्थ्य में, सबने कोरोना के दौरान देख लिया, केंद्र की भी हालत देख ली, दिल्ली की भी हालत देख ली, तो हम समझ सकते हैं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि मीडिया कभी इसको दिखाता नहीं है। केजरीवाल जी क्यों उठाएंगे, गुजरात में इलेक्शंस है, गुजरात में इलेक्शंस है, गुजरात में चुनाव है, वो फ्री बिजली, फ्री पानी, महिला सुरक्षा की बात कर, लेकिन वो क्या कहेंगे कि आप जब हम जीतेंगे, वो मुसलमानों के वोट के लिए कहेंगे जब हम जीतेंगे तभी तो हम करेंगे, अभी तो हम सरकार में नहीं है। केजरीवाल जी तो बड़े प्यार से, नहीं नहीं केजरीवाल जी बड़े प्यार से ये चीज बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी तो अभी सरकार ही नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम मुस्लिमों के लिए करेंगे, क्योंकि मंत्रियों को अपने स्टेटमेंट बदलने में सेकंड लगता है। आपने खुद देखा होगा कि केजरीवाल जी कितने बड़े हितैषी हैं, वो कहने के लिए वो मुस्लिमों के हमेशा पक्ष में बात करते हैं, दंगों में छोड़ के भाग गए, आज जब मुस्लिम की बात हो रही है, आज जब आप वैसे केजरीवाल जी पे फोकस क्यों कर रहे हैं, आप मोदी जी और केंद्र सरकार में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। मैंने कितना तारीफ नहीं करी, मैंने बिल्कुल तारीफ नहीं करी केजरीवाल जी की, और मैं किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, क्यों बोलेगा, देखिए नहीं नहीं पूरे देश में बिल्किस बानो जी को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू हमें भी पता लगता है, पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सिर्फ दिक्कत इतनी है कि गोदी मीडिया ये मुद्दा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये मुद्दा अभी भी आएगा तो उसका प्रभाव गुजरात इलेक्शंस पे पड़ेगा। अच्छा, तो क्या मतलब हिंदू जो है वो इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी ने बलात्कार के आरोपियों को हिंदू मुसलमान बना करके छोड़ दिया? हाँ, हिंदू मुस्लिम राजनीति, हिंदू तो वोट करेंगे, हिंदू वोट करेंगे, आप आज के डेट में हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आज के डेट में हिंदू बड़ा चौड़ा, नहीं नहीं हिंदू सुरक्षित है, तभी तो उनको जेल से रिहाई मिल गई ना, अगर वो हिंदू नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, संस्कार नहीं होते, वो 8 साल का, देखिए वो दलित का केस है, वो एकदम अलग केस है, वो दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, वो राजस्थान के एक बच्चे का केस है, बिल्किस बानो का केस है, तो इस राजनीति पे बोलने की तो जरूरत है, आप लोगों को भी तो प्रश्न, गंभीर अपराध है। आज जब हम जूठन जैसी किताब और कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ये सुनना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक बच्चे को क्यों मार रहे हैं पानी पीने के लिए, तो दलितों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति इस देश में एक जैसी है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, पर हिंदू फिर भी थोड़े सुरक्षित हैं, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि आज के देश में हिंदू थोड़ा सुरक्षित खुद को मानता है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और हिंदू की सरकार है, आज हिंदू चौड़ा होके बोलता है, पंडित चौड़ा होके बोलता है कि हमारी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको इसका साफ उदाहरण नजर आएगा, मैं खुद इलाहाबाद की हूँ और साफ उदाहरण आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदू कितना खुश होता है कि हमारी तो सरकार है, आप चलो। दलितों की बेटियों की रोज इज्जत लूटी जा रही है, कहाँ वो हिंदू नहीं, दलितों की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आम महिलाओं को सड़कों पे छेड़ा जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आए दिन थानों के अंदर बलात्कार होते हैं, पुलिस खुद इस बलात्कार में इन्वॉल्व होती है, लेकिन बोलने वाला ना महिलाएं हैं, ना मीडिया है, ना सरकारें हैं, इसलिए ये मुद्दे उठ के नहीं आते। धन्यवाद।